वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी हम है सूरत भाई है, क्या क्या बात है। मजा आ गया। मैं हूं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सूरज भाई के साथ और हम जा रहे हैं पटना। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब घर से पहली बार इतनी दूर जा रहा हूँ वो भी बाइक से, तो देखते हैं क्या रहता है। एक्साइटमेंट लेवल तो आपने देख लिया होगा कितना क्रेजी हो रखा है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बढ़िया है भाई, फुल लौंडे वीडियो पे वीडियो उठा रहे हैं मस्त एकदम, और S1000RR के साथ ड्रैग रेसेस चल रही हैं। बट S1000RR बहुत फास्ट है भाई, डैनर नहीं पकड़ पा रही उसको। और इस एक्सप्रेसवे पे मैं पहली बार चला रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कहाँ बम्प है क्या है। जैसे हम जहाँ यूजुअली राइड करते हैं वहाँ का तो सब पता होता है, GFR का, यमुना एक्सप्रेसवे का। बट रोड अच्छा है, बीच में हल्के हल्के बम्प्स हैं तो हाई स्पीड में घातक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए जहाँ लंबा स्ट्रेच मिला है सिर्फ वहीं पे तेज चला रहे हैं भाई। और इस S1000RR में लगा हुआ है एरो का फुल सिस्टम गाइस। इशारे में नाचती है मैं। 1 2 3 जाओ तुम, जाओ तुम, जाओ तुम पटना पहुंच जाओ। मात है, देख रहे हो कितनी फास्ट है वो। क्या यार, वैन की आग रॉकेट गई है, रॉकेट। तो भाई यहाँ रुके थे अभी 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं, बीच में पानी पीने रुके थे, गर्मी काफी है। और गाड़ी में हमारे ऋषि भाई, इनको व्हीली देखनी थी बहुत देर से बोल रहे हैं, तो एक छोटी सी व्हीली दिखा देते हैं। ऋषि भाई को वीली दिखा दी। लॉन्च हमारा
बढ़िया था, लेकिन वो ऐसे नारा पीछे से आ जाती है, ऐसे 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 पकड़ लेती है। बहुत फास्ट यार, क्या फायदा। एक होता है ना कंपटीशन हो तो मजा है, पता ही है वो पीछे भी रहती तो भी आगे निकल जाएगी। ये जो ZX NR है, ये कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, सबसे सस्ती 1000cc सुपर बाइक। ये लो जी, ये लो, रीलियां भी चल रही है भाई, फुल सूरज भाई रीली मारते हुए। बोर वहीं पे भाई साहब गियर डाउन और श्याम एकदम एक्साइटमेंट आ रहा था वापस। सूरज भाई चला रहे हैं 10R और अपन S1000 RR भाई, इसके मतलब भाई साहब यार जब जब चलाता हूँ ना मैं इसको, इसका फैन हो जाता हूँ। 1 2 3 भाई, ये तो भाई मेरे हाथ में आगे, इसको तो मैं रॉकेट बना दूंगा, रॉकेट। चलो 1 2 3 क्रेजी है ब्रो, क्रेजी। और पता है कमाल की बात क्या है, इसका रोड मोड है, ये अभी स्पोर्ट्स मोड में नहीं है, और 10R लगी हुई है फुल मोड में। अगर ये स्पोर्ट्स मोड में लग गई तो पता नहीं क्या करेगी। वाव, बाकी ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भाई बहुत क्रेजी है, बहुत जबरदस्त बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हम यमुना एक्सप्रेस वे पर चला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली NCR वालों को तो वही हाईवे पता है जो बढ़िया है बाइक दौड़ाने के लिए। एकदम। तो गाइस, इसके बाद हमने बहुत सारा मजा किया, और हुआ क्या, मेरी GoPro की बैटरी खत्म हो गई। तो अब जैसा कि पता है कि मेरे दो चैनल हैं, एक HK On Wheels और एक हारिस खान, तो अपन दोनों चैनल चला रहे हैं। तो जो ये जितना भी हम लोगों ने मीटअप किया फोरबिसगंज, मुजफ्फरपुर और पटना, जो कि बहुत क्रेजी है, बहुत ज्यादा प्यार मिला आप लोगों का, तो ये आपको मिलेगा दूसरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हारिस खान, वो जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि उधर रेगुलर वीडियोस आ रही है डेली, ऑलमोस्ट डेली भाई, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोगों को शिकायत थी कि डेली वीडियोस नहीं आती। तो अब भाई पूरी एकदम जोर ला के मेहनत चल रही है भाई आप लोगों के लिए। तो हमने ये सोचा उधर हम डेली व्लॉग्स डालेंगे, ऑलमोस्ट डेली आ ही रहे अभी भी, और इधर हम लोग हफ्ते में या 10 दिन में एक आध वीडियो। तो मैंने नया चैनल बनाया, उस पर जाके मुझे सपोर्ट करो, उधर भी आप लोगों को ब्लॉग्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि भाई मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरह का कंटेंट इधर है उससे और ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी आप लोगों को उधर। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे भाई जो फॉलो नहीं करते फॉलो कर लो, क्योंकि हम आ रहे हैं नेपाल, ठीक है ना, तो नेपाल की अपडेट्स भी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। अब हम नेपाल में मीटअप करने वाले हैं, बहुत क्रेजी होने वाला है गाइस, बहुत क्रेजी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।